तो हे दोस्तों, कैसा आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों, फाइनली आज इंडिया मार्केट में पोको का M6 Pro 5G स्मार्टफोन ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। एंड यहां पर काफी कमाल की प्राइस पे स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है और यहां पर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन है जो कि आपको 10,000 रुपये की प्राइस में इतनी अच्छी वैल्यू ऑफर करता है। एंड यहाँ पर आप इसके अंदर में काफी अच्छी खासी गेमिंग भी कर सकते हैं। बट उसके बावजूद भी आपने देखा होगा मैंने लिखा था डोंट बाय पोको M6 Pro 5G स्मार्टफोन। अब ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर आपको पोको का M6 Pro स्मार्टफोन बाय नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। पूरी डिटेल में बताऊंगा कि इसके अंदर आपको क्या कुछ कमियां देखने को मिलती है जिसकी वजह से स्मार्टफोन आपको बाय नहीं करना चाहिए या फिर कुछ और कारण है स्मार्टफोन को बाय ना करने के। तो वीडियो में तक बने रहिएगा, वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हैं एस टेक्निकल इंडिया यूट्यूब चैनल। तो बिना देर वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें बिल्ड एंड डिजाइन की, तो डिजाइन वाइज स्मार्टफोन काफी तगड़ा है, काफी कमाल का लुक आपको इसके अंदर में देखने को मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको स्मार्टफोन बैक ग्लास डिजाइन के साथ में देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ यहाँ पर आपको डुअल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा, पोको की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। अब जो मुझे एक माइनर सी कमी लगी है वो है स्मार्टफोन का डिजाइन। डिजाइन में यहाँ पर आपको वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बैक ग्लास के साथ में आता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे जो पोको की बड़ी बड़ी ब्रांडिंग है ना, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है मुझे। एंड ये जो कैमरे के साइड में ब्लैक कलर का सर्कल सा यहाँ पर बना दिया है, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगर प्लेन यहाँ पर बैक डिजाइन दिया गया होता, छोटी सी यहाँ पर आपको पोको की ब्रांडिंग देखने को मिलती, तो थोड़ा और बेटर स्मार्टफोन हो सकता था। ये एक इसका पहला माइनस पॉइंट आप पकड़ के चलिएगा। आपकी क्या राय है वैसे इसके बारे में, अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अंदर में आपको मिलता है 6.79 इंच का एक फुल एच डी प्लस IPS LCD डिस्प्ले। डिस्प्ले IPS दिया गया है, काफी अच्छी बात है। जो रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है वो 90 हर्ट्ज का है, जबकि 120 हर्ट्ज का मिल सकता था, बट प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको डिस्प्ले पर मिल जाएगी। काफी स्मूथ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, कलर जो है वो थोड़ा यहाँ पर आपको एमुलेट के मुकाबले में फीके देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस इसके अंदर में आपको मिल जाती है इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 4 नैनोमीटर के ही आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, जिसके वजह से यहाँ पर आपको काफी अच्छी बैटरी लाइफ इसके अंदर में देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इसके अंदर में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 18 वाट का फास्ट चार्जर भी बॉक्स के अंदर में ही आपको देखने को मिल जाता है। बाकी प्राइसिंग की अगर हम बात करें, तो इसका जो बेस वेरिएंट है ना, 4GB RAM प्लस 64GB के साथ आपको 11,000 रुपये में देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको 1,000 रुपये का ICICI बैंक के साथ में डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड के साथ में डिस्काउंट मिलेगा, तो ये स्मार्टफोन आपको बेस वेरिएंट 9,999 रुपये में देखने को मिल जाएगा। बट अगर हम बात करें कि ये स्मार्टफोन आपको एक्चुअल में क्यों बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर में आपको तो डिजाइन इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता। ऑल दो ये एक रिब्रांडेड स्मार्टफोन है, आप इसे छोड़ करके रेडमी के 12 5G स्मार्टफोन की तरफ भी जा सकते हैं, हालांकि वो इससे 1,000 रुपये आपको महंगा जरूर मिलता है, लेकिन वहाँ पर आपको स्टोरेज भी ज़्यादा बेटर मिल जाती है। उसका वेरियंट आपको 4GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज के साथ में देखने को 11,000 रुपये में, जहाँ पर आपको बैंक डिस्काउंट लगाकर 11,000 रुपये मिलेगा, अदरवाइज बिना बैंक डिस्काउंट के वो आपको यहाँ पर 12,000 रुपये में मिलने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी कमी अगर आती है पोको के ब्रांड वैल्यू में, पोको का नाम इतना ज़्यादा खराब हो चुका है क्योंकि उसके काफ़ी दिन पहले इतने स्मार्टफोन डेड हुए हैं, यहाँ पर कह भी नहीं सकते, क्योंकि पोको के जो काफ़ी सारे स्मार्टफोन सॉफ्टवेयर बनाने के बाद डेड इशू आया था, जिसकी वजह से पोको का नाम काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया था। तो इसलिए कोई भी पोको का स्मार्टफोन बाय नहीं करना चाहता। मे भी हो सकता है फ्यूचर में आपको इस स्मार्टफोन में डेड का इशू देखने को मिल जाए, तो इस वजह से भी ये स्मार्टफोन आपको बाय नहीं करना चाहिए। आपके क्या राय है इसके बारे में, अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर देगा। अदरवाइज स्मार्टफोन में कोई भी दिक्कत नहीं है, जो भी यहाँ पर बाय ना करने के कारण थे वो मैंने आप सभी से बता दिया। अगर आप इसको इग्नोर कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली इसको बाय कर लेना, 10,000 रुपये की प्राइस के हिसाब से काफ़ी सही स्मार्टफोन है। पोको का M6 Pro में यहाँ पर आपको कंसिडर कर सकता हूँ, अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पोको की ब्रांड वैल्यू पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। अगर आप मार्केट में बताते भाई पोको का स्मार्टफोन तो यहाँ पर ईजिली आपको नहीं मिलेगा, तो ज़्यादातर स्मार्टफोन पोको के जो है वो ऑनलाइन सेल में ही आपको बाय करने पड़ते। तो आई होप यहाँ पर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी कमाल की इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोजाना देखने को मिलती है। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।